लाइक कीजिए वीडियो वीडियो को को स्टार्ट करते हैं हम हमने ये पूरा कर लिया था आपको जितना भी पता होगा तो हम फोर्सेस को जो क्या कर रहे थे एक्सप्लोर कर रहे थे ठीक है तो लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस के बारे में हम और पढ़ते हैं थोड़ा डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो गाइज मैं क्या बोल रहा था मैंने एक नई वीडियो अपलोड की थी कल तो उसको अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना सब्सक्राइब कर देना वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को थोड़ी लाइक कर देना वीडियो को तो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं देखो सीन ए गेम ऑफ टग वॉर टग ओवर की गेम आपने देखी होगी टग ऑफ वॉर जिसमें रस्सी नहीं होती एक रस्सी होती है उसको दो आदमी मिलकर पकड़ के खींचते हैं देखो ऐसे कुछ होता है एक आदमी है इसने रस्सी को पकड़ा है और एक आदमी इधर इसने रस्सी को पकड़ा है और दोनों खींच रहे हैं ठीक है तो तो इन दिस गेम जो टू टीम्स होती हैं पुल रोप इन अपोजिट डायरेक्शन में और जो मेंबर्स ऑफ जो मेंबर्स जो होते हैं रोप की डायरेक्शन में होते हैं तो समटाइम जो रोप जो है सिंपली मूव नहीं करती क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि तो फोर्स बहुत ज्यादा लगी होती है फोर्सेज जो है अप्लाइड होना ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन टू अनदर क्या होता है फोर्स जो है अप्लाइड होती है सेम डायरेक्शन में अनदर तो इधर टू फोर्सेज जो है एक्ट करती है इधर अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है ऑब्जेक्ट की और इधर नेट फोर्स जो है वो क्या करती है एक्ट करती है मतलब एक्टिंग करती है डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेज टू फोर्सेज के डिफरेंस कितना होता है उस पर एक्ट करती है और रिकॉल जो है बहुत हार्ड होता है छोटा भी हो सकती है और लार्जर भी हो सकती है तो गाइज तो गाइज में वापस कर चुका हूँ तो क्या हम क्या पढ़ रहे थे तो गाइज़ हेलो गाइज तो अब हम पढ़ते हैं क्या पढ़ने वाले हैं तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी और मैंने रिकॉर्ड हुआ ही नहीं क्या पता मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं की तो गए इधर ऑप्शन आ रहे हैं तो लैया कर रहा है पीसी थोड़ा तो इग्नोर करना तो अब हम पढ़ते हैं फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन तो यू माइट रिकॉर्ड दैट सिमिलर सिचुएशन क्या होता है फॉर एग्जाम्पल पेनल्टी मार रहा होगा एक फुटबॉल के तो फुट प्लेयर अप्लाई फोर्स बॉल को फोर्स एप्लाई करेगा ना वो मारेगा तो ही तो बॉल जाएगी गोल पे तो बिफोर इट्स गाइस ये क्या हो रहा है तो क्या होगा बिफोर बीइंग हिट द बॉल जो है वो रेस्ट पे होगी और उसकी स्पीड जीरो होगी जब वो मारेगा अप्लाई फोर्स करेगा वो अप्लाई करेगा मारेगा तब में एक बॉल मूव होगी गोल की तरफ सपोज द गोलकीपर डाइज और जंप अप टू सेव सेव करने के लिए मतलब गोल बचाने के लिए वो कूदेगा तो बाय एशन द गोलकीपर जो है ट्राइज टू अप्लाई फोर्स ऑन मूविंग बॉल वो मूविंग बॉल को रोकने के लिए वो फोर्स अप्लाई करेगा तो द फोर्स अप्लाई हिम कैन स्टॉप और डिफेक्ट द बॉल उस जो फोर्स उसने अप्लाई किया वो बॉल को छोटा मतलब बॉल को क्या कर सकती है बॉल की स्पीड को कम कर सकती है और ठीक है तो क्या होगा उससे बहुत सेव सेविंग गोल स्कोर्ड सेविंग हुआ बॉल को स्कोर्ड करने से बचा लेगा और द गोल कीपर जो है सक्सीड हो जाएगा बॉल को रोकने में वो सक्सेस पा लेगा ठीक है तो दिस ऑब्जर्वेशन जो है सजेस्ट है पूर्व इज अप्लाइड ऑन अ सब्जेक्ट तो मे चेंज उसकी स्पीड चेंज होगी होगी मतलब होगी हम लोग मारेंगे तो चेंज और डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है अपलाइड ऑन ऑब्जेक्ट द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो इंक्रीज होते है, हम हैं हम लोग मारते तो कोई भी स्पोर्स अप्लाई करते तो फोर्स जो अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन टू स्पीड जो, जो, जाएगे। जो जाएगे है डिक्रीज हो जाएगी मतलब दूसरी तरफ मारेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी कम तो पहली क्यूरियस टू नो अबाउट द अप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो टूट लेट्स कंसिडर सम ऑफ देम ठीक है

शेप है वो चेंज हो जाएगा तो डिस्क्रिप्शन जैसे क्या है स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ आईसिकल तो जब हम उसको बैठते हैं ना तो उसका वो चेंज हो जाता है शेप ठीक है और रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम हुक और नेल फिक्स बॉल फिक्स बॉल में रबर बैंड रखेंगे और हैंगिंग करेंगे तो क्या होगा उसका फूट तो वापस आ जाएगा मतलब इसमें टू एंड फ्रो मोशन जैसा ही होता है टू एंड फ्रो मोशन के बारे में आपने पढ़ा होगा तो मैं अगर नहीं पढ़ा है तो जाके देखो मेरे चैनल पे तो व्हाट डू

और मे चेंज द स्पीड और स्पीड भी चेंज कर सकता है जब वो मूविंग होगा अभी समझो बॉल जा रही है तो बॉल को मैंने ऐसा इधर से रोक दिया तो उसकी जो है स्पीड कम हो गई ना तो मे चेंज द डायरेक्शन डायरेक्शन मतलब बॉल देखो अभी इधर जा रही है तो मैंने उसकी डायरेक्शन अगर मतलब इधर है बॉल मैं इसको ऐसे करके ऐसे मारूंगा तो ये इस तरफ बॉल आ जाएगी ठीक है समझा आपने तो मे ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द शेप शेप भी हो सकता है चें अभी बड़ा हम लोग ने शेप कैसे चेंज होगा और आप तो पॉज करके वीडियो आगा आपने नहीं देखा तो पीछे देख सकते हो और मेक और समर ऑल ऑल ऑफ दिस इफेक्ट ये सब इफेक्ट एक साथ भी हो सकते हैं ठीक है तो हेल्प ऑफ अ स्टिक और पीस ऑफ रोप व्हेन यू पुश लाइक अ स्कूल बैग हम लोग लेके जाते हैं तो दिस फोर जो है हम लोग जिसमें मसल्स एक्शन करते हैं एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी

अभी ये चीज़ है एक बॉल तो मैं बॉल को अगर किक करने में कंट कॉन्टैक्ट में आएगा ना तभी मसीलो फोर्स जैसे मैं कोई भी चीज़ को लेके जा रहा हूँ कहीं भी कहीं भी लेके जा रहा हूँ उठा के तो उसको कॉन्टैक्ट में आती है ना वो चीज़ उसे कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं ठीक है थीगे? जो भी चीज़ कॉन्टेक्ट में आती है उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं और जो नॉन कॉन्टैक्ट में होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो अब हम पढ़ते फ्रिक्शन के बारे में फ्रिक्शन क्या चीज़ है ठीक है ये सब एग्जाम्पल्स है इन ऑल दिस ये सब सिचुएशन में क्या हो रहा है नो फोर्स एक्ट

ब्रिंग द मूविंग बॉल मूविंग बॉल को रैश रैश में लाने के लिए कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है तो तभी वो रुक रहा है ना तो तभी...